वेलकम बैक टू माय चैनल। नए वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो लैपटॉप्स के बारे में बात करने वाले। तो यहाँ पे मैं कुछ लैपटॉप्स लेकर आया हूँ बजट के साथ, यानी कि अगर आपका बजट है मतलब 70,000 के अंडर में, अगर चाहते हो अच्छे वाला लैपटॉप लेने के लिए, गेमिंग करने के लिए या फिर नॉर्मल जो भी करने के लिए, तो आपको कौन से लैपटॉप लेने चाहिए। तो 70,000 के अंडर में जो भी लैपटॉप आते हैं उनका फीचर्स काफ़ी अच्छा रहते हैं, ऑब्वियसली SSD के साथ देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे रैम भी काफ़ी अच्छा रैम है, हाई रैम के साथ देखने को मिल जाते हैं। उसके साथ ही साथ यहाँ पे आपको प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छा रह जाते हैं, क्योंकि 70,000 काउंटर के जो रहते हैं वो नॉर्मल बेसिकली गेमिंग कैटेगरी में आ जाते हैं। तो गेमिंग करने के लिए तो ऑब्वियसली आपको काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ चाहिए, उसके साथ ही साथ मेन आपको प्रोसेसर काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं तीन ही लैपटॉप लेकर आया हूँ, आप प्रीवियस वीडियो जरूर चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने वहीं पर जो लैपटॉप लिया था ये आपको वो लैपटॉप आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाले हैं, तो आपको रिटर्न लैपटॉप देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते। तो वैसे लैपटॉप अंडर आपको 70,000 में देखने को मिलने वाले। तो इस लिस्ट का हमारा जो पहले नंबर पे जो लैपटॉप्स निकल के आती है वो है डेल की तरफ से। तो आपको तो पता है डेल की तरफ से उनका जो लैपटॉप्स आते हैं काफ़ी अच्छा रह जाते हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ टॉप ब्रांड की ही लेकर आया हूँ ये जो लैपटॉप्स है डेल की तरफ से। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे फीचर्स में। स्क्रीन साइज में आपको 15.6 इंच में फुल HD IPS डिस्प्ले के साथ ही साथ 120Hz हाई रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये बेसिकली गेमिंग वाला लैपटॉप है। तो बात करते हैं प्रोसेसर में। प्रोसेसर में आपको काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, यहाँ पे AMD Ryzen का हेक्साकोर प्रोसेसर है। तो आपको तो पता है गेमिंग करने के लिए काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। तो यहाँ पे गेमिंग वाला लैपटॉप से 4G वाला ग्राफिक्स कार्ड है, उसके साथ ही साथ विंडोज 11 होम के साथ MS ऑफिस भी इंक्लूड है। ये जो लैपटॉप है 8GB के साथ ही साथ आपको 512GB SSD देखने को मिल जाती है। तो इस लिस्ट का हमारे जो दूसरे नंबर पे जो लैपटॉप निकल जाती है वो है डेल की तरफ से, डेल इंस्पायर वाला लैपटॉप है। बेसिकली उनका जो लैपटॉप रह जाते हैं वो भी थिन एंड लाइट वाला लैपटॉप रह जाते हैं, नॉर्मल इसी बजट नॉर्मल इसी वेट के साथ देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग करने के लिए काफ़ी अच्छा रह जाते हैं। तो डेल इंस्पायर वाला लैपटॉप से यहाँ पे आपको फीचर्स में 15.6 इंच में फुल HD स्क्रीन है। तो यहाँ पे इंटेल कोर i5 का 11 जनरेशन वाला प्रोसेसर है। तो बात कर लेते हैं ग्राफिक्स कार्ड में, यहाँ पे 2GB वाला ग्राफिक्स कार्ड है। तो विंडोज 11 होम के साथ MS ऑफिस है, वेरी थिन एंड लाइट लैपटॉप, 16GB आपको 16GB के साथ आपको रैम देखने को मिल जाते हैं, 512GB SSD है, 1.8KG में देखने को मिल जाते हैं। इस लिस्ट का हमारे जो लास्ट नंबर पे जो तीसरे नंबर पे निकल के आती है वो है ASUS की तरफ से, क्योंकि ASUS भी काफ़ी अच्छा लैपटॉप के बारे में काफ़ी अच्छा है। ये लैपटॉप जो है ASUS टॉप गेमिंग वाला लैपटॉप से A17 वाला लैपटॉप है। बात करते हैं फीचर्स में, ये जो उनका स्क्रीन साइज है काफ़ी अच्छा स्क्रीन साइज है, गेमिंग करने के लिए तो 100% सही है। 17.3 इंच में आपका फुल HD LED IPS डिस्प्ले है, उसके साथ ही साथ 120Hz में हाई रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये कहना कि आपको 4GB ग्राफिक्स कार्ड के साथ देखने को मिल जाते हैं। तो ये कहना कि विंडोज 10 होम के साथ विंडोज 10 होम के साथ MS ऑफिस इंक्लूड है। तो बात कर लेते हैं, तो ये कहना कि AMD Ryzen वाला 5 हेक्साकोर है, तो 16GB 16GB के साथ आपको रैम है, 512GB के साथ आपको SSD देखने को मिल जाते हैं। ये तीनों के तीनों लैपटॉप्स में आपको SSD इंक्लूड है, SSD के साथ देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि 70,000 के अंडर में है, यानी कि 70,000 के अंडर में है, तो ऑब्वियसली आपको SSD देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि ये जो लैपटॉप्स आते हैं बेसिकली गेमिंग कैटेगरी के लैपटॉप्स आ जाते हैं। उसके लिए आपको स्क्रीन साइज भी काफ़ी अच्छा है, प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छा है, उसके साथ ही आपको ग्राफिक्स कार्ड 4GB के साथ भी देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे तो वेरी थिन एंड लाइट लैपटॉप भी देखने को मिल जाते हैं, टॉप ब्रांड्स की है। अगर खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हो लिंक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। अगर बजट है 70,000 में तो आप ये तीनों के लैपटॉप के साथ जरूर जा सकते हो। तो कमेंट पे भी मुझे जरूर बताएं आपको एक लैपटॉप कैसी लगी, मैंने रिव्यू भी देखा है काफ़ी अच्छा रिव्यू है। यहाँ पे 16GB रैम भी देखने को मिल जाते हैं। अगर खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हो लिंक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। अगर चाहते हो रोज इस तरह न्यू वीडियो देखने के लिए तो प्लीज़ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।